स्वागत है आपका आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक अजीब सा बात बतलाने वाला हूँ। वो अजीब सा बात ये है कि जब भी आप अपने विंडोज 10 बेस्ड मशीन को शट डाउन करते हैं तो असल में आपका मशीन पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता। जी हाँ, आपका मशीन पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता। विंडोज 10 के इस फीचर को हम लोग हाइब्रिड बूट या फिर फास्ट बूट फीचर भी कहते हैं। यह आपके कंप्यूटर के बूट होने के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। कैसे कर देता है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग हाइब्रिड बूट यानी कि फास्ट बूट के बारे में बात करें, मैं चाहता हूं कि हम लोग अदर पावर ऑप्शंस जैसे कि स्लीप, शटडाउन, रीस्टार्ट या फिर हाइबरनेट के बारे में भी बात कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लीप पावर ऑप्शन के बारे में। जब आप अपने कंप्यूटर को स्लीप पर डालते हैं तो क्या होता है? असल में जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्लीप पर डालते हैं तो आपके कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स जैसे कि मॉनिटर, हार्ड डिस्क वगैरह में पावर बिल्कुल जाना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ पार्ट्स जैसे कि रैम में पावर जा रहा होता है और सीपीयू में भी थोड़ा बहुत पावर जा रहा होता है। स्लीप मोड में करना यह होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर का स्टेट है, मतलब जो सारे प्रोसेसेज आपके कंप्यूटर में लोड हो चुके हैं और वो जितने एग्जीक्यूट हो चुके हैं, चाहे वो सिस्टम लेवल के प्रोसेसेज हों या फिर वो यूजर लेवल के प्रोसेसेज हों, सारे प्रोसेसेज को रैम में ही मेंटेन करना होता है। इसलिए रैम को प्रॉपर पावर जाना जरूरी है। और चूंकि इसे मेंटेन करना होता है सारे प्रोसेसेस को, इसलिए थोड़ा बहुत पावर सीपीयू को भी जाना जरूरी है। बाकी हार्ड डिस्क और मॉनिटर ऑफ हो जाता है। अब जब भी आप अपने कंप्यूटर को टच करते हो, किसी की को टच करते हो या फिर अपने माउस को टच करते हो, तो आपका कंप्यूटर स्लीप स्टेट से दोबारा से एक्टिव स्टेट में आ जाता है। स्लीप स्टेट के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका कंप्यूटर स्लीप स्टेट में है और आपके कंप्यूटर को पावर मिलना बंद हो गया तो आपका सारा किया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वहां पर काम को चूंकि रैम में सेव किया जा रहा है, इसलिए उसे पावर की जरूरत है। और जैसे ही पावर मिलना बंद हो जाएगा, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि रैम बिना पावर के चल नहीं सकता और रैम में हम लोग कुछ भी बिना पावर के स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा जो पावर ऑप्शन हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है, उसे कहते हैं हाइबरनेट। हाइबरनेट में किया यह जाता है कि कंप्यूटर का जो भी स्टेट है, मतलब जितने भी प्रोसेसेज अभी रैम में लोड हुए हैं और वो जितना काम कर चुके हैं, चाहे वो कर्नल लेवल के प्रोसेसेज हो या फिर यूजर लेवल के प्रोसेसेज हो, चाहे वो कर्नल लेवल का मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस हो या फिर आपका क्रोम टैब हो, आपने जो भी काम अभी तक किया है वो सब कुछ हार्ड डिस्क पर सेव हो जाता है। हार्ड डिस्क पर एक फाइल होता है जिसका नाम होता है hyperfill.sys। सब कुछ उसी फाइल में जाकर के सेव हो जाता है जब आप हाइबरनेट करते हैं तो। और जैसे ही फिर आप पावर ऑन करते हैं तो फिर से उन सारे प्रोसेसेज को दोबारा से स्क्रेच से लोड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उस hyperfill.sys नाम के फाइल से उन प्रोसेसेज को उठा लिया जाता है और जितना काम आप कर चुके हैं उससे आगे का काम करना उसके बाद शुरू कर देते हैं। क्योंकि सिर्फ प्रोसेसेज ही सेफ थोड़ी ना थे, उनके स्टेट्स भी सेफ थे, जहां तक उन्होंने काम कर लिया था वो काम भी सेफ थे। तो हाइबरनेट के बाद जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो लगता है कि आप पुराने छूटे हुए काम से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल स्क्रेच से प्रोसेसेज लोड हो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पुराने छूटे हुए काम को ही आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए, स्लीप की तरह हाइबरनेट में सिस्टम के स्टेट को रैम में सेव नहीं किया जाता। कहां सेव किया जाता है? डिस्क पर। अब डिस्क पर किसी डेटा को सेव करने के लिए पावर की जरूरत नहीं है। इस वजह से जब भी आप हाइबरनेट करते हैं तो कंप्यूटर को पावर की कोई जरूरत नहीं होती। उसका बैटरी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि बैटरी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, नहीं उसे किसी पावर की जरूरत है, किसी भी एक्सटर्नल पावर की उसे जरूरत नहीं है। जब भी आप ऑन करेंगे अपने कंप्यूटर को, जब भी आप अपने कंप्यूटर को पावर देंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद आप अपना काम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यह फायदा है हाइबरनेट ऑप्शन का। इसके अलावा एक और पावर ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं हाइब्रिड स्लीप। हाइब्रिड स्लीप में एक्चुअली ये एक तरह का स्लीप ही है जिसमें कंप्यूटर के स्टेट को रैम में मैनेज किया जाता है, लेकिन रैम में मैनेज करने के साथ साथ कंप्यूटर के स्टेट को डिस्क पर भी मैनेज कर लिया जाता है। इसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए कि स्लीप स्टेट में रहते हुए आपके कंप्यूटर का बैटरी खत्म हो जाता है या किसी वजह से आपके कंप्यूटर को पावर मिलना बंद हो जाता है तो आपका कंप्यूटर तो ऑफ हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि आपके डिस्क पर जो इमेज सेव है उसके इस्तेमाल से आप अपना काम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यह स्लीप और हाइबरनेट का कॉम्बिनेशन है जिसे कि हम लोग हाइब्रिड स्लीप कहते हैं। विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट हाइब्रिड स्लीप इनेबल होता है। जब आप स्लीप करते हैं अपने कंप्यूटर को तो एक्चुअली हाइब्रिड स्लीप ही होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल शटडाउन के बारे में। जब हम लोग ट्रेडिशनली किसी भी कंप्यूटर को शटडाउन करते हैं तो कंप्यूटर का कोई भी स्टेट सेव नहीं होता, किसी भी प्रोसेस का कोई भी स्टेट
सेव नहीं होता और सारे प्रोसेसेस को अनलोड कर दिया जाता है, चाहे वो ड्राइवर्स को हो चाहे वो कुछ भी हो, सारे प्रोसेसेस को अनलोड कर दिया जाता है। और अनलोड करने के बाद जब आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे, एक नॉर्मल शटडाउन के बाद जब आप अपने कंप्यूटर को दोबारा ऑन करेंगे, तो सारे प्रोसेसेस को, सारे ड्राइवर्स को फिर से स्क्रेच से रैम में लोड होना होगा, तो आपको अपना काम फिर से शुरू करना पड़ेगा। आपका पुराना काम सेव नहीं रहेगा इस केस में, आपको अपना काम फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब नॉर्मल शटडाउन के बाद आते हैं हाइब्रिड बूट, फास्ट बूट या फास्ट स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट पर। हाइब्रिड बूट में कुछ ऐसा किया जाता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को शटडाउन करते हैं तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी अनलोड नहीं किया जाता, बल्कि किसी हाइबरनेट की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको उस hyperfield.sys नाम का जो डिस्क पर फाइल होता है उसमें सेव कर लिया जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि यूजर के काम को सेव नहीं किया जाता जब आप शटडाउन करेंगे। जब आप हाइब्रिड बूट टेक्नोलॉजी से किसी कंप्यूटर को शटडाउन करेंगे तो वो यूजर के किसी प्रोसेस को या फिर यूजर के किसी प्रोसेस के स्टेट को कभी भी डिस्क पर सेव नहीं किया जाएगा। उस केस में क्या होगा कि सिर्फ कर्नल लेवल प्रोसेसेस के स्टेट्स को डिस्क पर सेव कर लिया जाता है, और अगली बार जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कर्नल लेवल के प्रोसेसेस को स्क्रेच से लोड करने के बदले क्या किया जाता है कि वो सेव्ड स्टेट जो होता है ना वहीं से लोड कर लिया जाता है। तो इस तरह से आपका बूटिंग टाइम काफी फास्ट हो जाता है और आपका कंप्यूटर लगता है कि काफी जल्दी बूट हो गया। और दूसरी बात, अगर ये hyperfield.sys जहां पर कि आप अपने हाइबरनेट की इमेजेस को स्टोर करते हैं या फिर हाइब्रिड बूट के इमेजेस को स्टोर करते हैं, अगर वो फाइल SSD पर है तो ये बूटिंग और ज्यादा जल्दी होगी। लेकिन हाइब्रिड बूट टेक्नोलॉजी को यूज करने के कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान ये है कि मान लीजिएगा आपके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई जो कि शायद शट डाउन करके फिर से स्टार्ट करने पर वो खराबी ठीक हो जाए। तो इस केस में अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो बिल्कुल जो कर्नल लेवल के जो प्रोसेसेस थे वो तो अनलोड होंगे नहीं और फिर से स्क्रेच से लोड होंगे नहीं, तो जो खराब प्रोसेस था उसी का इमेज जाकर के डिस्क पर सेव हो जाता है और फिर से वही खराब इमेज दोबारा से करके लोड हो जाता है। तो यहां पर शटडाउन करने से आपका कंप्यूटर ठीक नहीं होगा, जो कि ठीक हो सकता था। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप अपने कंप्यूटर को शटडाउन करके फिर से स्विच ऑन कीजिए तो ठीक हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइब्रिड बूट टेक्नोलॉजी है तो। दूसरा, अगर आपके कंप्यूटर में ड्यूल बूट है तो क्या होता है कि जब आपने कंप्यूटर को हाइब्रिड बूट टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद शटडाउन करते हो, दोबारा स्टार्ट करते हो, तो आपके कंप्यूटर का वो जो सेव्ड इमेज था ना वही लोड हो जाता है कई बार। और ड्यूल बूट में आप करते क्या हो, एक्चुअली ड्यूल बूट में आपके पास दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चूज करने वाले हो लोड होने के लिए। लेकिन अगर आप दोबारा अपने कंप्यूटर को ऑन करो ताकि आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सको, और हो कुछ ऐसा कि आपने जो स्टेट सेव किया था अपना हाइब्रिड बूट टेक्नोलॉजी की वजह से वो स्टेट ही लोड हो जाए और आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है किसी कंप्यूटर के साथ अगर उसका फर्मवेयर अच्छे से नहीं बना है तो। दूसरा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप दूसरे कंप्यूटर से बूट किए और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके आप डिस्क के इस पार्ट पर आए और अपने सेव्ड इमेज में ही कुछ गड़बड़ कर दिया। यह भी एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने ड्यूल बूट के साथ हाइब्रिड बूट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो। इसके अलावा एक चीज जो रह गई आपको बताना वो है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट जब भी आप अपने कंप्यूटर को करते हो तो एक्चुअली आपका कंप्यूटर पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है, मतलब किसी भी प्रोसेस का कोई भी स्टेट कहीं भी सेव नहीं होता, सारे प्रोसेसेज अनलोड हो जाते हैं, बिल्कुल ही अनलोड हो जाते हैं, और फिर स्क्रेच से वो सारे प्रोसेसेज दोबारा आपके कंप्यूटर में, आपके रैम में लोड होते हैं। अब देखिए, नॉर्मली हाइबरनेट विंडोज 10 में डिसेबल किया होता है और हाइब्रिड बूट इनेबल किया गया होता है। आप चाहें तो हाइब्रिड बूट या फिर फास्ट बूट को डिसेबल कर सकते हैं और चाहें तो हाइबरनेट को इनेबल कर सकते हैं। अब इसे कैसे करते हैं, आइए कंप्यूटर पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि कैसे इन ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल किया जाए। यहां पर आइए, स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, फिर इस पावर बटन पर क्लिक कीजिए। इस पावर बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं, स्लीप, शटडाउन और रीस्टार्ट। शटडाउन करेंगे तो ऑफ कोर्स हाइब्रिड बूट ऑप्शन से आपका कंप्यूटर शटडाउन होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं हाइबरनेट को इनेबल करना, क्योंकि यहां पर देखिए ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है हाइबरनेट का, और अगर आप चाहते हैं कि जब आप शटडाउन करें तो आपका कंप्यूटर पूरी तरह से शटडाउन हो और ऑन करने के बाद स्क्रेच से ऑन हो, आप अपने कंप्यूटर में हाइबरनेट को इनेबल कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर में हाइब्रिड बूट को डिसेबल कर सकते हैं। यहां पर जाइए और टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए।
जाइए यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड में, फिर आप चले जाइए पावर ऑप्शंस में, उसके बाद क्लिक कीजिए चूज व्हाट द पावर बटन डज। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस हैं, शटडाउन सेटिंग्स, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप जो कि बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, हाइबरनेट जो कि बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ यहाँ पर आपको चेक और अनचेक करने का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आप यहाँ से चाहें तो आप अपने हाइब्रिड बूट ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से चाहें तो आप हाइबरनेट को इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है अगर आपके कंप्यूटर में हाइब्रिड बूट इनेबल है? तो यहाँ पर टास्क बार पर राइट क्लिक कीजिए, फिर जाइए टास्क मैनेजर में, और टास्क मैनेजर में आने के बाद परफॉर्मेंस में जाइए। परफॉर्मेंस में यहाँ पर देखिए सीपीयू दिखाई दे रहा है, कितने दिन से ये सीपीयू चालू है, 10 दिन, 23 घंटा, 18 मिनट और 38 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू के पूरे स्टेट को हम लोग बार बार डिस्क पर सेव कर रहे हैं और फिर उसी स्टेट को लोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 दिन से अपने कंप्यूटर को ऑफ ही नहीं किया है, पिछले 10 दिनों में मैंने अपने कंप्यूटर को काफ़ी बार ऑफ किया है, लेकिन कभी भी मैंने एक फॉर्मल शटडाउन नहीं किया। हमेशा ही यह हाइब्रिड बूट टेक्नोलॉजी से शटडाउन हो रहा था। सारे कर्नल लेवल प्रोसेसेस, सारे ड्राइवर्स के इमेजेस, सब के सब डिस्क पर सेव हो जा रहे थे और वहीं से रीलोड हो जा रहे थे। कभी भी कर्नल लेवल प्रोसेसेस या ड्राइवर्स अनलोड नहीं हुए और फिर से स्क्रैच से लोड नहीं हुए। तो इसीलिए पिछले 10 दिनों में चूंकि ऐसा नहीं हुआ है, उससे पहले शायद मैंने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया होगा, तो पिछले 10 दिनों से शायद ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे सीपीयू का जो अप टाइम है वो 10 दिन से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर तरह के पावर ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT सिंप्लीफाइड इन हिंदी। धन्यवाद।